5 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश से व्यापार मंडल व्यापारियों के हित में समय समय पर काम करता रहता है, जिसको लेकर व्यापारियों के हित को देखते हुए 5 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा व्यापारियों द्वारा की गई। साथ ही पेट्रोल डीजल रसोई गैस को भी GST के दायरे में लाने के लिए व्यापारियों द्वारा मांग की गई, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि इन चीजों पर बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इसलिए उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस को GST के दायरे में लाया जाए। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल, विशाल अग्रवाल, नोमान मंसूरी, दीपक अग्रवाल समेत कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को व्यापारियों की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की घोषणा करें और साथ में चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, वो भी GST के दायरे में लाए जाए। इस तरह की दिसंबर की क्या विशेषता है जी? 5 दिसंबर क्यों चुना है? 5 दिसंबर को इसलिए चुना है कि व्यापारी उसको हमेशा एक अच्छे दिन के रूप में मानता है और व्यापारी के साथ टीचर डे भी है उस दिन, शिक्षक दिवस। हाँ, 5 सितंबर। दीपक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज जिलाधिकारी के पास आए हैं, क्या समस्या लेकर? आज संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग सब आए हैं, जिसमें कई व्यापार मंडलों के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और हम लोगों का मानना है कि 5 सितंबर व्यापारियों के लिए घोषित किया जाए, जिससे कि व्यापारी भी एक दिन ऐसा लगे कि उन्हें खुशी का है, हंसी का है, और 5 सितंबर को टीचर डे भी है, दोनों एक साथ हो जाए करेंगे। और GST के दायरे में पेट्रोल को, डीजल को, रसोई गैस को और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं उन्हें तुरंत लाना चाहिए, जिससे कि रोज उसका बढ़ने का चक्कर ना हो और जो उपभोक्ता है उसे सही रेट में सही चीज़ मिल जाए। व्यापारी को किस तरह का सामना करना पड़ा है? व्यापारी के साथ अभी तो व्यापार ऑलरेडी टूटा हुआ है, जिसको किराया देना है किराया नहीं निकल लिया उसका, जिसे सैलरी देनी है सैलरी नहीं निकल रही, टर्नओवर अगर पहले 100 रुपये था तो आप 40 रुपये 30 रुपये है, और बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं, जैसे बिजली का बिल 2 साल में लॉकडाउन 2 बार लगा, 1 बार 2-3 महीने का, 1 बार 1 महीने का, उसके अलावा भी माहौल ऐसी रहा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प लोगों को डायरेक्ट नहीं मिली कि बिजली का बिल माफ हो जाए या किराया माफ हो जाए या हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे जिलाधिकारी? यही कहेंगे सब,